सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टेक्निक। और आज मैं करने वाला हूँ कॉस्मिक बाइट माउस पैड का रिव्यू। कॉस्मिक बाइट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है बजट और मिड रेंज गेमर्स में, और मेरा भी बहुत फेवरेट है। और गाइस, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो गाइस, पहले तो मैं आपको एक बॉक्स को थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ क्या है इसकी बॉक्स पर क्लोजअप कैमरे में। सो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्मिक बाइट स्विच टू गॉड गेमिंग, नीचे है साइज और लिखा हुआ है माउस पैड। फिर इधर इसका नाम लिखा हुआ है ड्राफ और माउस पैड, फिर कॉस्मिक बाइट स्विच टू गॉड गेमिंग, और पीछे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फीचर्स हैं। और इधर अगर देखें तो थोड़े से इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, स्मूथ टेक्सचर्स, नेचुरल रबर, हैवी बेस ग्रिप, और लिखा हुआ है मैक्सिमम कंफर्ट फॉर रिस्ट एंड हैंड। और गाइस, मैं आपको जो है अभी इसका बॉक्स खुला हुआ ही है, वैसे अच्छे से पूरा पैकेज होके आया था। मैंने इसको सैनिटाइजेशन पर्पसेस के लिए पहले ही खोल लिया था। सो यहाँ पे है, मैंने इसको फिर रीपैक किया था, लेकिन इसका जो पॉलीथिन में आया था अच्छी पैकिंग थी मैं कहूँगा। फिर यहाँ पर ये रहा हमारा माउस पैड, ये भी आपको एक बार क्लोजअप कैमरे में मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ये कॉस्मिक बाइट का दिया हुआ, और पूरा ये ऐसे है, बहुत ही अच्छा सरफेस है। स्पीड माउस पैड है तो यहाँ पे सरफेस पे फ्रिक्शन जो है कम है काफ़ी। और गाइस, यहाँ पे पूरी रबर पैडिंग दी हुई है जो है। यहाँ पे मैं आपको, अगर वैसे आपको ऐसे ग्लास टेबल पे रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं जैसे आपको अभी आप यहाँ देखिए रख रहा हूँ तो ये ज़्यादा हिल नहीं रहा है। और अभी आप यहाँ पे देखिए रोल्ड भी हुआ हुआ है थोड़ा सा, तो उसको पहले मैं थोड़ा सा फ्लैट सा करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको यूज़ करके, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसके लिए बता दूँ। गाइस, अभी मुझे माउस पैड यूज़ करते हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। मैं काफ़ी टाइम से इसको टेस्ट कर रहा हूँ, और सच में भाई माउस पैड हो तो ऐसा बहुत ही सही माउस पैड है, द माउस पैड मैं इसको कह सकता हूँ। मतलब इसके से और कोई माउस पैड लेने का मेरे ख्याल से सेंस ही नहीं बनता है। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, सच में बहुत अच्छा माउस पैड है ये। अब इसकी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइस की वजह से, ये 400 का है तो अंडर 500 है। MRP इसकी 499 है, लेकिन तो वो मैक्सिमम आपको 500 से ज़्यादा का तो कहीं मिलेगा ही नहीं। और कम से कम मैंने कल अमेज़ॉन पे देखा था इसका 201 प्राइस हो रखा था, लेकिन अभी तो इसका 370 के प्राइस में प्राइस है। आप करंट प्राइस आपको अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, तो वो करंट प्राइस है। और जो है अब आपको ज़रूरत असली में है माउस पैड की, अनलेस आपके पास कोई 10,000 से भी महंगा बहुत ही अच्छा जो लॉजिटेक के माउस है उनमें ज़रूरत नहीं होती इतनी माउस पैड की। लेकिन अब इतना स्पेंड कर ही रहे हो 10,000 माउस पैड पे, तो 500 रुपये माउस पे, सॉरी, अगर 10,000 माउस पे ही स्पेंड कर रहे हो तो 500 रुपये माउस पैड पे भी करना में और अच्छा रहेगा। सो नॉर्मली आप माउस पैड लोगे ही, और जो सस्ते माउस आते हैं 2-3 हज़ार के उनमें तो चाहिए ही होता है माउस पैड, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पॉलिश टेबल भी हो। मेरी भी बहुत पॉलिश टेबल है, तो मैं पहले भी माउस पैड के बिना मैंने काफ़ी टाइम तक गेम्स खेले, लेकिन वो ये उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। कभी कभी बीच में अटक जाता है माउस, उसके नीचे के जो मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप देख सकते हैं ये जो पैड्स होते हैं ये घिसने लग जाते हैं। सो ये चीज़ होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपके लिए माउस पैड बहुत अच्छा रहता है। और स्पीड या कंट्रोल तो मैं तो प्रेफर करता हूँ स्पीड ही। और इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, आप इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्टिचिंग है। जो नॉर्मल वो 200 रुपये के जो माउस पैड होते हैं, जो उनकी प्रिंटेड वाले होते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना होता है उनके ऊपर निकल आता है उनका, तो इसका नहीं निकलेगा। मैं इससे पहले यूज़ करता था, काफ़ी बेकार सा सस्ता सा प्रिंटेड माउस पैड था, 2 महीने में ही उसका जो निकल आया था। लेकिन इसके आप स्टिचिंग देख के बोल सकते हैं कि ये नहीं निकलने वाला मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसकी 1 महीने तक टेस्टिंग करी है। ज़रा सा भी कुछ भी नहीं हुआ है इसको, और मैं बहुत टफ यूज़ करता हूँ। सो माउस पैड में और तो मैं ज़्यादा क्या नहीं कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया ही माउस पैड है, कॉस्मिक बाइट जैसी कंपनी का है, सब कुछ ही आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।